सो ये वंदे भारत की जगह तेजस ट्रेन भेज दी है, पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है क्या चक्कर है, सडनली ऐसी ट्रेन चेंज कर दी, ये मुझे आशा नहीं थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं रात के, या सुबह के भी कह सकते हैं, सुबह मॉर्निंग के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग बाहर जा रहे हैं। थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि पीछे बच्ची सो रही है अभी अभी। हम लोग बिल्कुल आप सब देख सकते हैं रात को, मतलब मॉर्निंग में 2:30 बजे हम लोग तैयार है, पूरा तैयार होकर खड़े हुए हैं। ये भी पीछे तैयार हो चुकी है क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ा अर्ली मॉर्निंग है, वंदे भारत ट्रेन है, सुबह 6 बजे चलती है, सो इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग जागना पड़ा। तैयार होके खड़े हुए हैं बस निकलने का, 3:30 बजे निकलेंगे यहाँ से ताकि टाइम पे पहुँच सकें। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं हम लोग? माता जी के। सो हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी माता दर्शन करने के लिए, और हम सो नहीं रहे थे, हमारा जागरण हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारी आंखें नींद भरी पड़ी है आंखों में, सोई नहीं ठीक तरीके से। मैंने तो फिर भी कमर सीधी कर ली लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं सोई, पैकिंग वैकिंग कर रही थी पूरी रात, इसने पैकिंग की है। बोल सच्चे दरबार की जय। सो अभी बच्ची को उठाएंगे और उसको तैयार करेंगे, फिर मैं आपको बच्ची को भी दिखाऊंगा, देखते हैं वो सोती सोती जाएगी या उठ जाएगी। कि बैग पैक हो चुके हैं और दो तरह आपको वैष्णो देवी यात्रा हमारे साथ करनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। कहाँ घूमी घूमी करने आए हैं? सो पहुँच चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ से चलते हैं अंदर। टाइम हो रहा है अभी 4:30 बजे पहुँच गए हम दिल्ली रेलवे स्टेशन और 6 बजे की ट्रेन है, सो चलते हैं अंदर। फॉर्म पे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे ट्रेन का। अभी टाइम हो रहा है 5:10 हो रहे हैं और 6 बजे का टाइम है डिपार्चर का और ट्रेन आने वाली शायद 5:30 बजे तक ट्रेन लग जाएगी। सो और वेदर कंडीशन बताऊँ तो ज़्यादा ठंडी नहीं है, नॉर्मल है, मतलब कड़ाकेदार ठंडी नहीं है, नॉर्मल ठंडी लग रही है। हाँ मतलब ठंडी है लेकिन वो वाली ठंडी नहीं है, इसमें बोर्ड कम पानी लगते हैं वैसे ही। पता नहीं टिकट में तो यही लिखा हुआ आ रहा है मेरा, वंदे भारत, ये वंदे भारत। हाँ कटरा यही जा रही है, सो ये वंदे भारत की जगह तेजस ट्रेन भेज दी है, पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है क्या चक्कर है, सो उसके चलते हमें तेजस में जाना पड़ रहा है। ट्रेन की कंडीशन वैसे ठीक है लेकिन सडनली ऐसी ट्रेन चेंज कर दी, ये मुझे आशा नहीं थी। सो ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है, ट्रेन जिसमें टिकट बुक करवाया था वो चेंज करके तेजस आई है वंदे भारत की जगह। सो देखते हैं अभी हमारा कोच कौन सा है, कन्फर्म करेंगे। C5 आ गया ना। एक घंटे में हम लोग पहुंचेंगे।
पटरा। खाली लीवर का भी अलग ही मजा है। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे। 2:30 बजे ट्रेन ने हमें कटरा स्टेशन पे पहुंचा दिया है और अभी हम लोग हैं माँ वैष्णो देवी कटरा और मैं स्टेशन पे हूँ। अभी ट्रेन अभी पहुँची 2:30 बजे और देखते हैं यहाँ से फिर होटल चलेंगे और होटल के बाद फिर आगे का प्लान बताएंगे क्या है। सो अभी तो काफ़ी थकान फील हो रही है। बुकिंग तो वंदे भारत में थी लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तेजस ट्रेन खड़ी है, इससे हमें आना पड़ा। एट द एक दिन पहले ट्रेन चेंज हो गई थी सो अनाउंसमेंट और वो मैसेज वगैरह आ गया था। सो अभी हम तेजस से आए हैं और वंदे भारत का थोड़ा सा जो पोपट हो गया क्योंकि सोचा था वंदे भारत में वो करेंगे आएंगे लेकिन आते टाइम शायद वंदे भारत है तो शायद आते टाइम हमें मिल जाएगा वो। सो गुड आफ्टरनून गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं कटरा और मैंने ये IRCTC का एक रूम बुक किया था। सो ये मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ जो मैंने रूम ऑनलाइन बुक करा था। वैसे आप एट द मोमेंट आपको रूम नहीं मिलेंगे, अगर आपको आना है तो आपको पहले ही रूम बुक करने पड़ेंगे उसके लिए। सो होपफुली मतलब आप जल्द 15 या 20 दिन पहले रूम बुक करा ले तो बेटर है, या फिर महीने भर पहले अगर आपका प्लान होता तो महीने भर पहले रूम बुक कराएं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर रूम मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ ट्राई करते हो तो डोरमेट्री आपको मिल जाएंगी, बेड मिल जाएंगे लेकिन आपको पर्सनल रूम नहीं मिलेगा। सो ये जो है डबल बेड AC रूम है। सो यहाँ से मेरे पीछे से एंट्रेंस है और जो हमें रूम में प्रोवाइड हो जाता है वो कॉफ़ी, वाटर बॉटल, पीछे TV है ओके, और यहाँ पे एक अलमारी प्रोवाइड आपको पर्सनल यूज़ के लिए अलमारी है, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है और इसके अलावा ये डबल बेड है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको एक बालकनी प्रोवाइड हो जाएगी, मतलब बाहर एक बालकनी है, उसमें चेयर वगैरह नहीं है, जस्ट आप जा सकते हैं, नॉर्मल सी पार्क नहीं, उसका रिव्यू मैं आपको दे दूंगा। तो और ऊपर है AC और ऊपर फैन है। सो अभी थोड़ा विंटर सीजन है तो AC और फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको यहाँ पे सर्दियों के टाइम में आपको एक रूम हीटर प्रोवाइड हो जाता है, ये आपका रूम हीटर है। और बाथरूम की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाथरूम भी नॉर्मल सा है, इतना कुछ वो नहीं है। बाथरूम में आपको बकेट प्रोवाइड हो जाएगी और वॉशरूम है, आपको गीज़र प्रोवाइड हो जाएगा, टॉवल्स प्रोवाइड हो जाएंगे और जो सोप वगैरह जो है आपको वो प्रोवाइड हो जाएंगे। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ बाथरूम। अभी थोड़ा हमने यूज़ करा था तो मे भी थोड़ा सा यहाँ पे मिलता है आपको फ्रिज, जो कि अगर आप सर्दी में आते तो आपके यूज़ नहीं होगा। आप देख सकते हैं फ्रिज तो चालू है वैसे, तो ये फ्रिज है, यहाँ पे डस्टबिन है। सो दिस इज़ ओके रूम इनको यूटिलाइज़ करते हुए। अभी तो फ़िलहाल अभी 1:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे और 1:30 बजे के बाद अभी 3:30 हो रहे हैं, आधा एक घंटा रेस्ट करके अब हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए और लंच के बाद शायद फिर कटरा मार्केट जाना होगा क्योंकि कटरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं थोड़ा सा कि देख लेते हैं कटरा, और कटरा एक्सप्लोर करने के बाद फिर वापस रिटर्न घर आएंगे और कल फिर दर्शनों के माता के दर्शन के लिए हम चढ़ाई शुरू करेंगे कल अर्ली मॉर्निंग। तो देखते हैं कैसा बनेगा, थोड़ा सा मैं रास्ते में पूछ लूँगा लोगों से एडवाइस, मतलब उनकी भी वो ले लेंगे कि कैसे स्टार्ट करना है, कितने बजे स्टार्ट करना है, ठंड कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें एक बार कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे कब चढ़ाई करनी है। और यहाँ का एनवायरनमेंट अलग ही है, अभी ठंड इतनी फील नहीं हो रही है लेकिन सुबह शाम का नहीं कह सकता, दोपहर का भी मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल सही ठंड है, इतना कोई ठंड नहीं लग रही है, जैकेट्स
कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अपडेट। और अभी जा रहे हैं IRCTC का, मैं आपको दिखाऊंगा रेस्टोरेंट कैसा है। मैंने रूम आपको दिखा दिया है, IRCTC का रेस्टोरेंट मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, क्या खाना है, ये सारी चीज़ें। सो चलते हैं वहाँ जल्दी से और करते हैं लंच बढ़िया सा। ये 84 रुपए की थाली है और ये फ्राइड राइस 75 समथिंग के हैं। सो हम लोग अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय कर रहे हैं और ये है प्रेमाइसिस, आप देख सकते हैं, आप यहाँ बैठ के आराम से खाना पीना खा सकते हैं और यहाँ से बाहर का व्यू भी आपको दिखाई दे जाएगा। कटरा मार्केट, शाम के बज रहे हैं 5 और 5 बजे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए निकले कटरा मार्केट। चारों तरफ है दुकानें पीछे। तो शाम का टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से 6 बज रहे होंगे, है ना। और अभी मार्केट से वापस आ रहे हैं, थोड़ा सामान लेके आए थे और अच्छा लगा मार्केट घूम के। आज थोड़ी थकावट हो गई है क्योंकि कल रात को हम सोए नहीं हैं और कल रात को ठीक तरीके से सोए नहीं, उसके बाद मॉर्निंग में जल्दी ही ट्रेन पकड़ी है, ठीक है, और ट्रेन में भी सोना नहीं हुआ है, तो रेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ है।